एंड वी ऑल्सो सोल्व सम इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑन मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिकेस एंड देन आफ्टर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स ना सो स्टूडेंट टूडे वी विल डिस्कस कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स ठीक है रेडी ओके ऑल राइट सो स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स का कंजुगेट कैसे निकालते हैं हाउ टू फाइंड कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स ठीक है ऑल राइट right. समझने की कोशिश करना है कंजुगेट uh, uh, से इतना आइडिया लग रहा होगा सबको कि नंबर मे और मे नॉट बी कॉम्प्लेक्स मतलब नंबर uh, जो है वो कॉम्प्लेक्स हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं बट चांसेस आर हाई फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर होने का चांस थोड़ा हाई है अगर कंजुगेट निकाल रहे हैं तो ठीक है तो कंजुगेट कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का कंजुगेट निकालने का मतलब वी हैव जस्ट चेंज एवरी एलिमेंट बाई इट्स कंजुगेट इन मैट्रिसेस मतलब मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट है उसमें हर एक एलिमेंट को उससे कंजु उसके कंजुगेट से रिप्लेस कर दिए देन होल मैट्रिक्स गिव द रिजल्ट ऑफ कंजुगेट ऑफ दिक्स मींस जिस मैट्रिक्स का कंजुगेट निकालना था उसका कंजुगेट मिल जाएगा ठीक है जैसे समझने की कोशिश करना आ, हम लोग के पास कुछ ऐसे ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ना समथिंग वन माइनस थ्री आई टू प्लस फाइव आई फोर माइनस फाइव टू माइनस नाइन आई थ्री माइनस फोर आई ठीक है माइनस आई एंड टू एंड नाइन ठीक है एक मैट्रिक्स दिया हुआ है क्या फाइंड करना है इसका कंजूगेट क्या फाइंड करना है इसका कंजुगेट तो कंजुगेट को पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सो स्टूडेंट कंजुगेट को रिप्रेजेंट किया जाता है ए बार से मींस इसके ऊपर ऐसे बार लगा दिया देन अगर ए मैट्रिक्स है तो ए बार सो द कंजुगेट ऑफ दैट मैट्रिक्स ठीक है जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी क्या होता था जेड इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड जेड बार इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर ना तो सेम वैसे ही क्या करना है ए बार से अब हर एक एलिमेंट का कंजुगेट चाहिए मतलब 1 3i का बार कंजुगेट चाहिए मुझे टू प्लस फाइव आई का बार फोर का बार अब ये तो इसका तो कंजुगेट फोर ही हो जाता है बिकॉज़ रियल कंजुगेट से रिप्लेस कर दो मीन ये क्या हो गया वन माइनस थ्री आई क्या हो जाता है वन प्लस थ्री आई जहां माइनस होता है इमेजनरी पोर्शन में वहां प्लस और जहां प्लस होता है वहां इमेजनरी पोर्शन में माइनस हो इसका कंजुगेट बन जाता है देन टू माइनस फाइव आई फोर माइनस फाइव टू प्लस नाइन आई थ्री प्लस फोर आई देन आयोटा टू एंड नाइन ठीक है दैट इज द कंजुगेट ऑफ दैट मैट्रिक्स ए ठीक है ऑल राइट right, right, तो ये कहानी हो गई कंजुगेट की ठीक है अब कंजुगेट में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट समझना कंजुगेट की प्रॉपर्टी कुछ स्पेशल जैसे कॉम्प्लेक्स में था कि अगर मैट्रिक्स का दो बार कंजुगेट निकाल दिए देन फिर वही मैट्रिक्स मिल जाता है अब देखो अगेन अगर मैं इसी का एक बार और कंजुगेट निकालू तो फिर ये वन माइनस थ्री आई टू प्लस फाइव आई माइनस फाइव टू प्लस नाइन आई थ्री प्लस आयोटा अगेन वही मिल गया अगेन वही मिल गया ठीक है ठीक है ठीक है फिर समझना फिर समझना नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं दो मैट्रिक्स का सम करके कंजुगेट निकालूं या अलग अलग कंजुगेट निकाल के सम करूं रिजल्ट विल सेम रिजल्ट हमेशा क्या आएगा सेम आएगा ठीक है ना सेम आएगा क्योंकि देख भी पा रहे हो matrix, एक का मतलब क्या हुआ किडिंग एलिमेंट एड होते हैं है. तो जब बेटा करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट एड होंगे तो फिर एड करके कंजुगेट निकालो या कंजुगेट निकाल के एड करो एक ही बात है ना ठीक है समझ गए समझ गए और और समझना कि अगर दो मैट्रिक्स का मैं मल्टीप्लाई करके कंजुगेट निकालता हूं और अलग अलग करके निकालता हूं तब भी रिजल्ट सेम आता है लेकिन ए और बी क्या होने चाहिए कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन ना ये इसके आगे लिख लेना कि ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन क्योंकि हम ये कंफर्टेबल होंगे तभी ना कभी भी तो मल्टीप्लाई किया नहीं जा सकता है So, ये छोटी सी कहानी थी कंजुगेट की ठीक है तो जल्दी से आई होप समझ में तो आ गया होगा कुछ इसमें अलग से कोई एक्स्ट्रा साइंस तो है नहीं सो so, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो नोट डाउन करके नोटिज रिप्लाई कर दो एवरी चलो फिर आगे चलते हैं ना आ, समझने की कोशिश करते हैं ये तो हो गया कंजुगेट ठीक है अब ऐसे ही होता है ट्रांसपोज कंजुगेट ट्रांसपोज कंजुगेट समझना ट्रांसपोज कंजुगेट क्या है नाम सही लग रहा होगा कि कंजुगेट का ट्रांसपोज ट्रांसपोज का मतलब तो बताया ही था प्रीवियस लेक्चर में ही कि हर एक रो को कॉलम में कॉलम को रो में बदल दो देन इट बिकम ट्रांसपोज तो पहले कंजुगेट निकालो फिर इसका ट्रांसपोज निकाल लो इट बिकम ट्रांसपोज कंजुगेट तो ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स समझना ट्रांसपोज कंजुगेट क्या है हम लोग के पास ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ठीक है uh, कुछ ऐसे वन माइनस थ्री आई फाइव प्लस नाइन आई फोर सेवन माइनस थ्री आई फाइव प्लस सिक्स आई एंड नाइन आयोटा एंड सिक्स आयोटा फाइव एंड फोर दट इज द मैट्रिक्स ठीक है ट्रांसपोज कंजुगेट का मतलब क्या कि कंजुगेट देन ट्रांसपोज तो कंजुगेट का मतलब पहले ए बार फाइंड करें ए बार फाइंड करें ये निकाले कंजुगेट कंजुगेट तो बोलो कंजुगेट में क्या हुआ ये ऐसे हो गया वन प्लस थ्री आई फाइव माइनस नाइन आयोटा फोर देन सेवन प्लस थ्री आई फाइव माइनस सिक्स आई माइनस नाइन आयोटा माइनस सिक्स आई फाइव फोर ऑल राइट ऑल राइट ये हो गया कंजुगेट अब इसका ट्रांसपोज तो ट्रांसपोज मतलब इसका बार डैश यही ना ए बार का डैश यही होता है तो बोलो ट्रांसपोज में क्या हो गया वन प्लस थ्री आई ऐसे में क्या किया देखो ध्यान से ध्यान से समझना ऐसे कुछ कुछ एक्स्ट्रा नहीं हुआ ना मैं ऐसे रो को उठाया कॉलम में कन्वर्ट कर दिया क्या हो गया फाइव माइनस नाइन आई फोर सेकेंड रो को उठाया कॉलम में कन्वर्ट कर दिया ना सेकेंड रो को उठाया कॉलम में कन्वर्ट कर दिया थर्ड रो को उठाया कॉलम में कन्वर्ट कर दिया ठीक है ठीक है ठीक है? है अब क्या करना है हम लोगों को अब क्या करना है कि ट्रांसपोज कंजुगेट तो ये निकल के आ गया लेकिन इसी को हम लोग एक डैश बार के बजाय हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं ए थीटा दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स ए थीटा से पहले कंजुगेट निकाले फिर ट्रांसपोज कर लिए ठीक है या पहले ट्रांसपोज करके कंजुगेट निकाल लो बात एक ही आएगी हमेशा ना हमेशा बात एक ही आएगी ठीक है ठीक है ठीक है तो ये हो गया कंजुगेट या ट्रांसपोज कंजुगेट रिजल्ट हमेशा क्या आना है सेम आना है रिजल्ट हमेशा क्या आना है सेम आना है ठीक है और फिर अब इसमें नोट करने वाली प्रॉपर्टी क्या है नोट करने वाली प्रॉपर्टी क्या है समझ ही रहे होगे कि पहला नोट तो सेम वही कि अगर दो बार ट्रांसपोज कंजुगेट निकाल दिए देन वी आर गेटिंग सेम ए जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कंजुगेट निकाल रहे हैं, वही मिल जाएगा ठीक है फिर उसके बाद सेम अगर मैं सम करके ट्रांसपोज कंजुगेट निकालता हूं या अलग अलग निकालता हूं रिजल्ट क्या है हमेशा सेम आएगा रिजल्ट हमेशा क्या आएगा सेम आएगा और याद होगा ट्रांसपोज वाले में एक रिजल्ट बदल गया था याद है अगर मैं डैश बोलूं तो उल्टा हो जाता था ना मतलब ये अगर ए और बी कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन देन ए बी इक्वल टू थीटा इन टू ट्रांसपोज की बात आती है ए बी का ट्रांसपोज बी ए के ट्रांसपोज में कन्वर्ट हो जाता है याद होगा बताया था मैं पिछले लेक्चर में तो ये थोड़ा सा बदल जाएगा ठीक है होगा ओके वेरी गुड अब समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कुछ स्पेशल मैट्रिक्स हैं इसे समझने की कोशिश करेंगे हम लोग स्पेशल मैट्रिसेस इसमें सबसे पहला जो आता है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझना सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है नाम से लग रहा है कुछ सिमेट्रिक सिमेट्रिक मतलब समझते ही हो ना कि मतलब ऐसे कि इसका जैसे एक ही तरह हो ना ठीक है एक ही तरह हो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है कि मैट्रिक्स uh, के जो एलिमेंट हैं, एलिमेंट सिमेट्रिक हो सिमेट्रिक होने का मतलब जो ए वन टू हो वही ए टू वन हो मतलब एक जैसे वन टू टू वन दोनों क्या हो सेम हो जो ए वन थ्री हो वही ए थ्री वन हो जो ए टू थ्री हो वही ए थ्री टू हो तो इसे क्या बोल देते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसे इसे क्या बोल देते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स ठीक है सो so डेफिनेशन क्या है मैं लिख दे रहा हूं और स्क्वायर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताया था ए आई जे एन क्रॉस एन ठीक है इज कॉल्ड सिमेट्रिक इज कॉल्ड सीमेट्रिक इफ ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई ठीक है ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई मतलब एग्जाम्पल एग्जाम्पल समझना किस मैट्रिक्स को हम लोग सीमेट्रिक बोलेंगे एग्जाम्पल समझना एग्जाम्पल समझना ए आई जे का मतलब समझ रहे हो ना ए आई जे एंड ए जे आई रो और कॉलम शो करता है तो जैसे मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा ऑफ ऑर्डर थ्री थर्ड ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया ठीक है ठीक है ठीक है? है तो अब समझना ये ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई ठीक है मतलब ये आई जे और जे आई की बात हो रही बाकी एलिमेंट बाकी एलिमेंट मतलब जो डायगोनल एलिमेंट है उनके साथ तो कोई उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता वो सेम होंगे मतलब मैं डायगोनल एलिमेंट कुछ समथिंग ऐसे लिख दिया आ, जैसे ऐसे लिख दिया ए बी सी ये हो गए डायगोनल अब समझना अब ए आई जे मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां लिखा जी ठीक है तो ये कौन सा एलिमेंट है ये कौन सा एलिमेंट है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो ये सेम फर्स्ट देखो ये वाला एलिमेंट कौन सा है समझना समझना ऐसे समझने की कोशिश करना ये वाला एलिमेंट कौन सा है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो यही सेम यही एलिमेंट कौन सा होना चाहिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब ये ये वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए हमेशा यही जी होना चाहिए क्या होना चाहिए जी होना चाहिए ठीक है अगर ये एच है तो ये एच होना चाहिए अगर ये एफ है तो ये एफ होना चाहिए तब जाके इसे मैं क्या बोलूंगा अब मैं इस मैट्रिक्स को अब मैं इस मैट्रिक्स को क्या बोलूंगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बोलूंगा सिमेट्रिक। ठीक है ना ठीक है ना देखो ये ये दोनों आपस ऐसे डायगोनल वाले सेम होने और ये ए बी सी क्या है ए बी सी का मतलब ए वन वन तो ए वन वन इज इक्वल टू ए आई जे करो या ए जे आई करो एक ही बात है ना ए वन वन जैसे ऐसे देखो ए वन वन तो इसका उल्टा भी तो ए वन वन ही होगा ए वन टू तो इसका उल्टा ए टू वन हो जाएगा ठीक है लेकिन ये वन वन का तो वन वन ही होगा ना तो ये वन वन टू टू थ्री थ्री मतलब ये जो ये जो बस अलग से ये कौन कौन से एलिमेंट सेम होने चाहिए तो ये इसके इक्वल होना चाहिए ये इसके इक्वल होना चाहिए ये इसके इक्वल होना चाहिए ठीक है कॉर्नर कॉर्नर डायगोनल वाले सेम होने चाहिए तो इस मैट्रिक्स को क्या बोल देंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बोल देंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बोल देंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलो कुछ कहानी समझ में आई कुछ दिमाग में बात घुसी जल्दी से बताओ सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जल्दी से बताओ कुछ कहानी समझ में आई सिमेट्रिक के बारे में जल्दी से बोलो अब यहीं से मैं छोटा सा डेफिनेशन और लिख सकता हूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या है डेफिनेशन समझना मैं देखा कि जब ये सेम ही है ये सब सेम ही है तो ये A है अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूं ट्रांसपोज निकालता हूं तो ट्रांसपोज में क्या होता है रो को कॉलम में तो ए जी एच देखो ऐसे रो को मैं कॉलम में लिख रहा हूं तो ऐसे पहला वाला रो लिया देखो ए जी एच तो ए जी एच लिख दिया अब दूसरा वाला रो लिया कॉलम में लिखा तो कितना हो गया जी बी एफ ठीक है अब तीसरा वाला रो लिया कॉलम में लिखा तो एच एफ सी ठीक है और फिर मैं ध्यान से देखा अगर इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखा तो क्या समझ में आया अरे ये दोनों तो सेम ही दिख रहे ये दोनों कैसे हैं सेम दिख रहे तो यहां से हम लोग नोट करके एक और डेफिनेशन बना दिए क्या डेफिनेशन बनाए इफ ए इज सिमेट्रिक अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज तो कहीं कहीं ये वाला भी डेफिनेशन देखने को मिलेगा लेकिन ये आया कहां से मेन डेफिनेशन यही है ऊपर वाला ना कहीं कहीं ये भी डेफिनेशन देखने को मिलता है कि A इज ए सीमेट्रिक इफ A इज इक्वल टू इट्स कोई भी मैट्रिक्स अपने कोई भी मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो गई देन इट्स ऑलवेज अ सीमेट्रिक मैट्रिक्स ठीक है ऑल राइट ऑल सो चलो आई होप सीमेट्रिक समझ में आ गया होगा अब समझते हैं ऐसे ही जैसे सिमेट्रिक है ऐसे ही एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है कौन सा होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है जैसे ऐसे न, जैसे सिमेट्रिक होता है ना सेम ऐसे ही स्क्यू सिमेट्रिक है बस एक छोटा सा डिफरेंस है छोटा सा डिफरेंस क्या है कि ए आई जे इज इक्वल टू जहां ए जे आई था वही ए आई जे इज इक्वल टू ए माइनस जे आई हो जाता है बस माइनस जे आई और कुछ नहीं बस यही छोटा सा डिफरेंस है किसमें सिमेट्रिक और इस सिमेट्रिक में सिमेट्रिक सिमेट्रिक और में ठीक है ठीक है समझ गए सब लोग समझ गए सब लोग ठीक है अब समझना समझना अब समझना ना ध्यान से क्या क्या है इस क्यूसीमेट्रिक से कहानी निकल के आती है ठीक है समझना सब लोग इसकी उसी मैट्रिक के बारे में ठीक है ठीक है ठीक है क्या मैं बोला इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ठीक है then then you square matrix is called is called skew symmetric ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई ठीक है ना या माइनस हो गया वो हो गया इस सिमेट्रिक, माइनस ए जे आई ठीक है ये तो इसका डेफिनेशन हो गया अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं ना कुछ इसमें समझने की कोशिश करते हैं ठीक है इतना तो आइडिया लग गया होगा सबको कि कुछ नहीं ये जी है तो ये माइनस जी ये एच है तो ये माइनस एच ये F है तो माइनस एफ इतना तो आइडिया लग गया होगा सबको बोल लग गया होगा ठीक है लेकिन थोड़ा सा और इसमें चेंज है क्या एक छोटा सा पॉइंट है नोट करके समझने की कोशिश करना ठीक है आ, समझने की कोशिश करना ये ए आई जे है ना ना ये ए आई जे है ठीक है ठीक है ठीक है अब अब समझो अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना इसी में थोड़ा सा इसमें समझने की कोशिश करना अगर मैं अगर मैं इसी में एक छोटा सा चेंज करूं एक छोटा सा चेंज करूं छोटा सा चेंज क्या ये आई जे दोनों सेम हो मतलब आम आर टॉकिंग अबाउट डाइगोनल एलिमेंट मैं लिख भी दे रहा हूं फॉर डाइगोनल डाइगोनल ठीक है प्रिंसिपल डाइगोनल के लिए ठीक है प्रिंसिपल डाइगोनल के लिए तो डाइगोनल वाला एलिमेंट क्या होता है ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री ए फोर फोर ए फाइव फाइव ए सिक्स सिक्स यही ना डायगोनल एलिमेंट होता है मतलब यहां रो और कॉलम सेम हो मतलब डायगोनल एलिमेंट तो मैं अगर इसको यहां पे रखूं मैं बोलू ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई ठीक है ना डायगोनल के लिए तो आई जे सेम है फॉर डायगोनल I इज इक्वल टू जे बोलो होता है कि नहीं डायगोनल के लिए I J सेम होते हैं होते हैं तो ये देखो ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई मैं इसे इधर ले गया देन टू ए आई आई इज इक्वल टू जीरो तो भाई एक चीज और पता चली सिमेट्रिक के बारे में क्या ए आई आई जीरो मतलब जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे जीरो होंगे तो सिमेट्रिक में क्या पता चला कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक बोला जाएगा जब ए आई जेवल टू माइनस ए जे आई मतलब ऐसे कोने -कोने वाले element, diagonal, diagonal वाले element, एक दूसरे के माइनस होंगे लेकिन जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो क्या होगा जीरो क्योंकि अगर माइनस होंगे तो प्रिंसिपल डायगोनल हंड्रेड परसेंट अपने से देखो जीरो आया है ना ये ये अपने से जीरो निकल के आ गया मतलब अगर मैं एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करूं एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करूं एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का तो मैं कैसे लिखूंगा पहले तो मैं डायगोनल को क्या कर दूंगा जीरो क्योंकि डायगोनल हमेशा क्या होगा जीरो अब अगर समझो तो ये हुआ जी तो ये होगा माइनस जी ठीक है अगर ये हुआ एफ तो ये होगा माइनस एफ अगर ये हुआ एच तो ये होगा माइनस एच ठीक है क्या होगा माइनस एच तब जाके इसे हम लोग क्या बोलेंगे इसे हम लोग क्या बोलेंगे इस क्यूसीमेट्रिक इज इसक्यूसीमेट्रिक इसमेट्रिक बोलो बोलो ये छोटी सी बात समझ में आई सबको जल्दी से बताओ सीमेट्रिक में क्या हुआ सीमेट्रिक में क्या हुआ डायगोनल एलिमेंट मैच किया देखो पीछे जा रहा हूं पीछे जा रहा हूं सीमेट्रिक समझना ना पीछे जा रहा हूं सिमेट्रिक में ये वाले एलिमेंट सेम हुए डायगोनल से कोई मतलब ही नहीं था लेकिन इसक्यू में क्या है भाई इसक्यू में क्या है कि ये एलिमेंट सेम के साथ न्यूमेरिकली सेम होंगे बट साइन में अपोजिट होंगे और डायगोनल क्या होगा हमेशा जीरो होगा और क्यों जीरो पता ये, ये ये समझ लो ये कहीं ना कहीं आप लोग के बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछ देता है कि प्रूफ दैट डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज जीरो प्रूफ करने के लिए दे देता है तो यही वाला प्रूफ लिख देना है फार, फार I is equal to J, ना? बस यही लिख देना है समझ गए सब लोग समझ गए सब लोग एवरी वन डाउन करके बेटा सारे लोग नोट लिख दो तो ठीक है सारे लोग नोट डाउन कर लिए अब चलते हैं आगे ना आगे चलते हैं कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस करते हैं और फिर चलते हैं आगे ठीक है आ, समझना बेटा ना Uh, सब लोग समझने की कोशिश करना ठीक है सब लोग समझने की कोशिश करना देखो देखो ध्यान से अब जैसे हम लोग एक डेफिनेशन इसका अगर दूसरा मैं बनाना चाहूं नोट करके नोट करके अगर एक छोटा सा डेफिनेशन मैं और बनाऊं एक छोटा सा डेफिनेशन और बनाऊं क्या कि जैसे ट्रांसपोज निकाल रहा था मैं तो मैं देखा ट्रांसपोज तो निकल रहा लेकिन ट्रांसपोज में माइनस आ जा रहा मतलब ये ऐसे आ रहा है ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज ध्यान से देखो इसका ट्रांसपोज निकालोगे सब उल्टा हो जाएगा फिर माइनस लगाओगे तब बात बनेगी तो ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज इज कॉल्ड इस क्यूसीमेटली इस पे क्वेश्चन पूछते हैं ना बेटा इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है चलो आगे चला जाए ठीक है चलो कुछ क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं ना ठीक है आ, समझने की कोशिश करना बहुत ही अच्छे हैं ये इंपॉर्टेंट मतलब मैं बोला ना ये सब टॉपिक पे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं ना तो ये चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आ, देखते हैं क्या हो सकता है ना कैसे होता है क्वेश्चन है इफ ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट फर्स्ट वन ठीक है दो तीन प्रूफ इसी स्क्वायर मैट्रिक्स के आ, रिस्पेक्ट में करना है ठीक है ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स सेकेंड वन ए माइनस ए ट्रांसपोजिस ठीक है ठीक है ये अपने आप में एक रिजल्ट भी है अपने आप में एक क्वेश्चन भी है ये ना जैसे कभी कभी ये डायरेक्ट हम लोग यूज कर लेते हैं कि अगर ये ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का सम हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है और ट्रांसपोज और मीन मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिफरेंस हमेशा इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है ना ठीक है समझना इसका प्रूफ कैसे है फर्स्ट वाले का मैं देख रहा हूं बोला ये एक सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक मतलब ये और इसके इसका ट्रांसपोज हमेशा क्या आएगा सेम आएगा मतलब मैं कुछ ऐसे निकालू ए प्लस ए ट्रांसपोज दिया हुआ है मैं इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूं तो बोलो क्या आया ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ठीक है ये तो होता है ना ट्रांसपोज में ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ऐसे यहां लिख सकते हो ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का डैश लिख लो या टी लिख लो एक ही बात है ना हाँ कभी टी लिखा होता है कभी ये क्वेश्चन में टी लिखा था तो मैं टी लिखा। होता है, तो वैसे ही देखो इस पे इस पे ट्रांसपोज लग गया अब ए ट्रांसपोज प्लस ए क्यों क्योंकि हम लोग को पता है दो बार ट्रांसपोज निकालने से वापस से वही मैट्रिक्स ठीक है और फिर इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन जो है कहां से बाई कम्यूटेटिव ला कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन जो मैट्रिक्स एडिशन का कम्यूटिटी लॉ है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस है वहां से ये आ गया तो देखो जो मैट्रिक्स था इसका मैं ट्रांसपोज निकाला और अगेन वही मैट्रिक्स आ गया तो ये क्या हो गया ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सी ठीक है ठीक है अब सेम ऐसे ही आप लोग दूसरा वाला कर सकते हो तो पहला वाला उतार के नोटेड लिख दो और दूसरा वाला सॉल्व करके ऐसे लिख देना कि कि फर्स्ट नोटेड एंड मेंशन करके लिख देना कि डन मतलब हो गया प्रूफ हो गया या नहीं हुआ तो लिख देना कि बता दीजिए सर या इतने ऐसे कुछ सेकेंड नहीं हुआ नॉट डन तो मैं उसे फिर से बता दूंगा जल्दी से चलो करो तो सेकेंड वाला सब लोग चलो बेटा जल्दी से बताओ मुझे आंसर आप समझना ऐसे ही एक क्वेश्चन और दे रहा हूं अब उसमें थोड़ा आप लोग को दिमाग लगाना है ना ठीक है हाँ समझना सॉल्व करना सब लोग क्वेश्चन है आँँ. B plus C where B is a symmetric matrix and C is a ठीक है ध्यान से देखो हम लोग के पास ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो बी बी प्लस सी सी और कोई और कोई मैट्रिक्स है, उनके के भी है. और जो है वो और चलो जल्दी से बताओ तो योर टाइम इज स्टार्ट नाउ इसमें आप लोग कितना दिमाग लगा के कैसे मुझे आंसर दे पाते हो कि नहीं सब ना सब लोग टाइम इज स्टार्ट हो देखना चाहता हूं कितना कितने देर में दे पाते हो चलो अब मैं बताता हूं ना ठीक है समझना समझने की कोशिश करना सॉल्यूशन इसका ना सब लोग ठीक है ठीक है बी ऐसे ऐसे समझो कि ये ए है ना ठीक है ठीक है ए की वैल्यू ऐसे दे दी गई है अलग अलग करके थोड़ा लिखता हूं ठीक है और ये जो ए है ये बी और सी के इक्वल है किसके इक्वल है बी और C के इक्वल है और B और C बोला कि सीमेट्रिक और इसक्यू सिमेट्रिक है तो सीमेट्रिक के लिए अभी जस्ट जरा सा पीछे मैं जाऊं अगर बेटा तो सीमेट्रिक कब है जब A प्लस ए ट्रांसपोज इसक्यू सीमेट्रिक कब है जब A माइनस ए ट्रांसपोज ध्यान से देखो ध्यान से देखो है ना तो सेम यही करते हैं हम लोग सेम यही करता हूं मैं ना ऐसे समझो सिमेट्रिक है मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज इसक्यू सिमेट्रिक है मतलब ए माइनस ए ट्रांसपोज ठीक है ठीक है तो दोनों का सम ए है मतलब मैं ऐसे यहां से बी प्लस सी लिखूं बेटा तो वो कितना आएगा बी के जगह ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस C के जगह A माइनस ए ट्रांसपोज पता चला ये तो कैंसिल हो गया आ गया 2A B बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना आया 2A लेकिन यहां पे है किसके इक्वल A के इक्वल है किसके इक्वल है A के तो ये 2 हटाना होगा तो 2 हटाने के लिए मैं कहा अगर मैं बाई 2 बाई 2 कर दू तब मेरा काम बन सकता है तब ये A से क्या हो जाएगा A हो जाएगा ठीक है अरे ए प्लस ए ट्रांसपोज भी इसकी सिमेट्रिक है और इसका मल्टीप्लाई भी कर दिए तो उससे कुछ थोड़ी ना फर्क फर्क पड़ रहा तब भी तो इसकी सिमेट्रिक है इसको मैं वन बाई टू कर दिया तब भी तो इसकी सिमेट्रिक है, है कि नहीं तो बोलो बी और सी की क्या वैल्यू आई बी की वैल्यू आ गई बेटा बी की वैल्यू आ गई वन बाई टू ए प्लस ए ट्रांसपोज देखो आई कि नहीं और सी की वैल्यू कितनी आ गई वन बाई टू ए माइनस ए ट्रांसपोज देखो आई कि नहीं अब इन दोनों का सम करोगे जब B C, तो देखो A आ जाएगा जाएगा ये दोनों कट जाएगा। हाफ A, हाफ A मिलके ट्रांसपोज बना देगा। बना देगा तो लिख लो माइनस करके वन बाई टू कर दो अब आई होप सब लोग कर लेंगे ना so, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ना? तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय कुछ क्वेश्चन करेंगे फिर उसके बाद हम लोग आएंगे आगे की तरफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल नील पोटेंट अभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं एक ज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स और बहुत कुछ है तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ठीक है सो so, चलो थैंक यू एवरीवन ऑन इज टू ऑन स्टडीज ऑलवेज ऑन कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए स्टोन पर बने रहिए।